गोरखपुर कैंपियरगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज पर परिषदीय बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से 4 मार्च तक होने वाली परीक्षा कल प्रारंभ होगी। आपको बता दें कि इस केंद्र पर हाई स्कूल में 446 परीक्षार्थी व इंटरमीडिएट में 477 परीक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे। एक कमरे में कुल 35 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आपको बता दें हाई स्कूल के 13 कमरों में, इंटरमीडिएट के 14 कमरों में परीक्षा होगी। वहीं परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रधानाचार्य के नेतृत्व में एक अहम मीटिंग भी की गई। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर वी के यादव ने कहा कि शासन के निर्देश अनुसार नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षार्थियों को OMR शीट की व्यवस्था बोर्ड की ओर से 20 नंबर OMR व 50 नंबर कॉपी पर व 30 अंक प्रोजेक्ट पर, वहीं इंटरमीडिएट में कॉपी पर परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्र की केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर बीके यादव व भाई है केंद्र व्यवस्थापक पूजा विश्वकर्मा व स्टैटिक मजिस्ट्रेट कृपा शंकर तथा परीक्षा प्रभारी महेंद्र कुमार, खेल अध्यापक अरविंद यादव मौजूद रहे। अपना परिचय देते हुए मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार यादव, प्रधानाचार्य बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज गोरखपुर। सर, कल देखा जाए कल प्रसिद्धि बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रहा है, इसी में लेकर देखा गया मीटिंग भी आपके नेतृत्व में किया गया है, किस विषय को लेकर किया गया है, क्या उद्देश्य रहा, कैसे कल बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हुआ? इस केंद्र पर जो है हाई स्कूल के 446 परीक्षार्थी तथा इंटर के 477 परीक्षार्थी परिषद द्वारा आवंटित हैं। इसके साथ ही साथ इस विद्यालय को संकलन केंद्र भी बनाया गया है तहसील कैंपियरगंज के अंतर्गत। शासन की मंशा, सरकार की मंशा के अनुरूप, विभागीय आदेशों निर्देशों के अनुरूप समस्त तैयारी जो है पूर्ण कर ली गई है। हाई स्कूल की परीक्षा 9 पालियों में 13 कक्षों में संचालित होगी तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा 20 पालियों में कुल 14 कक्षों में संचालित होगी। समस्त तैयारी की जानकारी परिषद के निर्देशों के अनुरूप समस्त कक्ष निरीक्षक बंधुओं को दे दी गई है। इस वर्ष जो 20 प्रश्न वैकल्पी हाई स्कूल में आएंगे उसके लिए OMR की व्यवस्था जो है परिषद ने की है, उसकी विशेष सतर्कता की जानकारी जो है हमारे द्वारा दी जा चुकी है। इस मीटिंग में जो है स्टैटिक मजिस्ट्रेट श्री कृपा शंकर जी, जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं, तथा अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के रूप में श्रीमती पूजा विश्वकर्मा उपस्थित थी। शासन के समस्त जानकारियों के से अवगत करा दिया गया। नकल विहीन परीक्षा कराने संपन्न कराने के लिए कौन कौन से यहाँ पर व्यवस्था किया गया? नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सबसे पहले जो है जिले स्तर पर जो है कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में स्थापित है। उसके आगे जिलाधिकारी कंट्रोल रूम स्थापित है। इसके साथ ही साथ शासन ने लखनऊ में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। विद्यालय में समस्त विद्यालय में समस्त कक्षों में दो दो कैमरे, एक फ्रंट एक बैक की व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही साथ वॉइस रिकॉर्डर भी किया गया है। यह परीक्षा रोकने के सबसे सर्वोत्तम उपाय किया है शासन सरकार द्वारा है।